फिलहाल रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। कांग्रेस का किसान बचाओ आंदोलन लगातार जारी है। कांग्रेस का किसान बचाओ देश बचाओ अभियान, बड़ी खबर फिलहाल। 5 जनवरी से 11 जनवरी तक ये जो अभियान है वो चलाया जाएगा और कृषि कानूनों के खिलाफ गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक इस दौरान किया जाएगा, बड़ी खबर फिलहाल बता रहे हैं। कल से सभी कांग्रेस विधायक अपने अपने क्षेत्रों में रहेंगे और क्षेत्रों में गांव गांव जाकर विधायक जो है लोगों को खामियां हैं इस कृषि कानून की वो बताएंगे। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित डिनर और बैठक में इस संबंध में निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो कांग्रेस का किसान बचाओ देश बचाओ अभियान और 5 से 11 जनवरी तक चलने वाला है प्रदेश भर में यह अभियान। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, लगातार हर मोर्चे पर प्रदेश सरकार जो है वो किसानों को बचाने का और देश को बचाने का जो दावा है वो कर रही है और इसीलिए एक अभियान की शुरुआत 5 से 11 तारीख तक की जाएगी। अपने अपने क्षेत्रों में रहने के सभी विधायकों को निर्देश दिए गए हैं, क्या पूरी अपडेट? बिल्कुल, देखिए जैसे एक बड़ा आंदोलन का रूप देने की तैयारी कर ली गई है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, जिस तरह के कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है। कल भी विधायक दल की ओर से 4 घंटे शहीद स्मारक पर धरना दिया गया। मुख्यमंत्री सहित तमाम जो कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित जो विधायक हैं, पार्टी के वर्कर्स हैं, वो इस धरने में शामिल रहे और जब रात को मुख्यमंत्री आवास पर डिनर का कार्यक्रम था तो इस दौरान विधायक दल की बैठक भी हो और इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और पीसीसी अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने तमाम विधायकों को निर्देश दिए हैं कि अब 5 जनवरी से और 11 जनवरी के बीच किसान बचाओ देश बचाओ के नारे के साथ सभी विधायकों को अपने क्षेत्र में रहना है और वहां पर गांव गांव जाकर, ढाणी ढाणी में जाकर, घर घर जाकर लोगों को जागरूक करना है किस तरह से केंद्र की सरकार किसान विरोधी कानून लाई है और इन कानूनों की क्या खामियां हैं, किस तरह से किसान इन कानूनों के जरिए कमजोर होगा। देखिए 5 जनवरी से 11 का इसलिए रखा गया है क्योंकि आज किसान संगठनों के साथ केंद्र सरकार हैं उनकी वार्ता होनी है। अगर आज कुछ रास्ता नहीं निकलता है और आज की वार्ता सफल नहीं होती है तो कल से कांग्रेस पार्टी प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन का रूप इसको देगी। गांव ढाणी में जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा और क्योंकि आज कोई रास्ता निकल जाता है तो ये आंदोलन स्थगित रहेगा। तो ऐसे में सभी विधायकों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं। साथ ही देखिए ये कृषि कानून जो केंद्र सरकार ने बनाए हैं उनके काट में राज्य सरकार जो विधेयक लेकर आई है और विधेयक पारित कर विधानसभा में राज्यपाल के पास अभी वो विधेयक अटके हुए हैं, राष्ट्रपति को नहीं भेजे हैं जी। इस बात को लेकर भी जागरूक किया जाएगा लोगों को कि किस तरह से एक संवैधानिक पद का दुरुपयोग हो रहा है। राज्यपाल जब विधानसभा में पारित को विधेयक पारित कर दिया गया और उसके बाद भी राज्यपाल ने उन विधेयकों को राष्ट्रपति को नहीं भेजा है तो इस तरह से केंद्र सरकार को भी पूरी तरह से घेरा जाएगा। तो बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है ताकि गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जा सके। चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।